हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. अरे वाओ, व्हाट अ अमेजिंग कार. तुमने नई गाड़ी ली और बताया भी नहीं. अरे सरप्राइज ये नहीं था, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. तो फिर क्या है? मुझे ना तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई लाइक यू. मुझे तो लगा था तुम मना ही कर दोगी. पर क्यों? तुम कहाँ मैं कहाँ. पर मुझे तुम और तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत पसंद है. सच में? आई लव यू. आई लव यू टू. अरे अब यहीं पे खड़े रहोगे, मुझको राइड पे भी लेके जाओगे? हाँ चलो. अरे वहाँ क्या कर रही हो? वो गाड़ी नहीं है मेरी, मेरी ये बाइक है. आओ बैठो. चलो. तुम्हारी ये बाइक है? हाँ. तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हारे साथ इस खटारा बाइक में जाऊंगी? और तुमने ना मुझे ये गाड़ी दिखा के प्रपोज किया था. अरे मैंने कब बोला वो गाड़ी मेरी है? ये जो तुम्हारी बाइक है ना, ये मेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है और मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी. छी. अच्छा इसका मतलब तुमने वो गाड़ी देख के मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? हाँ बिल्कुल सही समझे, ये गाड़ी देख के मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था. वरना तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी? हाँ मुझे लगा कि तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा स्टैंडर्ड है, तो ठीक है तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ. लेकिन तुम्हारा तो स्टैंडर्ड भी नहीं है और तुम्हारी औकात भी नहीं है. ये गंदी सी बाइक लेके घूम रहे हो और सपने देख रहे हो कि मुझ जैसी लड़की को घुमाओगे. अरे अपनी शक्ल देखो और इस बाइक को देखो तुम. मैं तो तुम्हारे साथ सपने में भी ना जाऊं, हकीकत में तो दूर की बात है. हम दोनों का ब्रेकअप, समझे? और आज के बाद ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना और ना मिलने की कोशिश करना. और हाँ एक बात और, अपने ना स्टैंडर्ड के हिसाब से लड़की चुनी हो तो एक काम कर, तू ना किसी गांव में जा और गांव में जाके ना कोई एक अच्छी सी लड़की पसंद कर ले,